नमस्कार मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलती है पुलिस प्रशासन सोती रहती है और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आता है हालांकि अरविंद केजरीवाल का बयान अब सियासत को लेकर है राहुल गांधी को लेकर है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करते कि आखिर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के पीछे चाहे कभी सुरक्षा में जांच हो या कभी उन पर जान से मारने की धमकी क्यों मिलती है इसका जवाब मैं आखिर में दू लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है उससे दरअसल शुरुआत करना चाहते हैं और अभी की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर क्यों आई जरा सुन लीजिए क्योंकि जिस तरीके से कल भारत जोड़ो यात्रा का समापन था परसों कल दिल्ली में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जो भीड़ जो सैलाब जिस तरीके से उनके स्वागत में देखने को मिला वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक नहीं था क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में लोकसभा चुनाव में एक सजाएंगे क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल चाहते क्या क्या अरविंद केजरीवाल अकेले कैसे देंगे मार सिर्फ़ दिल्ली या पंजाब आप जीतने के बाद आप देश में मोदी जी को कैसे टक्कर दे सकते हैं हालांकि जो सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे में भले ही केजरीवाल को आगे दिखाया जा रहा राहुल गांधी को सेकंड नंबर पे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो छवि राहुल गांधी के साथ बनी भारत जोड़ो यात्रा में जो प्यार जो मोहब्बत राहुल गांधी को मिला वो चिंताजनक है वो राहुल गांधी के लिए परेशान करने वाली है कि क्या के, 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 केजरीवाल क्या पीछे हट जाएंगे अब देखना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी से मिलकर मोदी जी से फाइट करेंगे या अकेले अकेले ये लोग मुकाबला करेंगे वहीं लगातार सीम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है इसके बावजूद दिल्ली पुलिस सो रही है उनकी चुप्पी नहीं साध रही है और सिर्फ कभी किसी के मानसिक हालत या कभी कुछ ख़राब बताकर बता दिया जाता है अब ये देखना पड़ेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से मुलाकात कर 2024 के चुनाव के लिए कोई नई प्लानिंग बनाते हैं या फिर दोनों अलग अलग ही मोदी सरकार को जो है उसे कम्पे कंपेरिजन करेंगे चलिए आज के लिए इतना ही हमें दीजिए इजाजत और आप देखते न्यूज़ नमस्कार